बिहार में छुट्टियों पर छिड़ा सियासी बखेड़ा। स्कूल की छुट्टियों के फैसले पर सियासत। शिक्षा विभाग ने 15 छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं और बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। गिरिराज सिंह ने तो फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कह दी। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ की छुट्टी रद्द। गिरिराज ने कहा बिहार में शरियाना लागू कर दिया जाए। स्कूलों की छुट्टियों के फैसले पर देखिए सियासत किस तरीके से बिहार में नजर आ रही है। तो बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती का नीतीश सरकार का फैसला अब निशाने पर आ गया है, जहां सत्ताधारी दल इस फैसले को लेकर सरकार का बचाव कर रहे हैं। ये पूरी तरह से हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। कौन सी छुट्टियां रद्द की गई? रक्षाबंधन की छुट्टी। छुट्टियों को समायोजित किया गया है। छुट्टी अगर 4 दिन था तो उसको 2 दिन किया गया है। छुट्टियां बिल्कुल बरकरार है। बहुसंख्यक की राजनीति करने के चक्कर में ये पूरे देश के इथोस को, आत्मा को ही लोगों ने मार दिया है। तो इनका तो काम बिदंगड़ा खड़ा करना है। आदेश निकाल दिया गया 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए। तो छुट्टियों को लेकर कलह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। छुट्टियों की अगर बात की जाए तो जरा नजर डालिए इस पर। छुट्टी में भी तुष्टीकरण, त्योहार, रक्षाबंधन, अब छुट्टी नहीं, चेहल्लुम की छुट्टी जारी रहेगी। जो फैसला लिया गया है उसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, क्रॉस का निशान आप देख रहे हैं यानी छुट्टी नहीं, हरितालिका तीज छुट्टी नहीं, ये आप देख रहे हैं लाल रंग का निशान, अनंत चतुर्दशी, हजरत मोहम्मद साहब की जयंती भी है यहां पर छुट्टी है, महात्मा गांधी जयंती पर भी छुट्टी रहेगी। ये फैसले जो लिए गए हैं इसमें एक जीवित पुत्री का व्रत भी है, जितुआ जिसे वहां कहा जाता है, उस पर छुट्टी नहीं मिलेगी। दुर्गा पूजा में 3 दिन छुट्टी अब कम कर दी गई है। दीपावली से छठ पूजा तक 5 दिन छुट्टी कम कर दी गई। इसके अलावा गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा पर छुट्टी अब नहीं मिलेगी। क्रिसमस पर जो छुट्टी का पहले प्रावधान था वो स्थिति आगे भी जारी रहेगी। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ शशांक हमारे सहयोगी पटना से मौजूद हैं। शशांक, ये छुट्टी पर धर्म वाला एंगल कहां से आ गया? देखिए, कल से लेकर दिसंबर तक सरकारी स्कूलों में कुल 23 छुट्टियां थी, इसमें कटौती की गई, अब 11 छुट्टियां रहेंगी। शिक्षा विभाग का तर्क है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 5 तक में 200 दिन और 6 से 8 क्लास तक में 220 दिनों का पूरे साल में कार्य दिवस होना चाहिए, लेकिन परीक्षा, उसके बाद इलेक्शन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल बंद रहते थे, पढ़ाई नहीं हो पाती थी, इसलिए छुट्टी में कटौती की गई ताकि इसको बैलेंस किया जाए। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि रक्षाबंधन की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, पहले थी, जन्माष्टमी की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, दिवाली छठ में ज़्यादा दिन की छुट्टी रहती थी, इसमें कटौती की गई, वहीं चेहल्लुम की छुट्टी पहले भी थी, अब भी है, मोहम्मद साहब की जन्मदिवस जो है वो उसकी छुट्टी पहले थी, अब भी है। तो अब बीजेपी जो है साफ कर रही है कि ये तो तुष्टीकरण की राजनीति, आप एक विशेष समुदाय को खुश करने में लगे हुए हैं। अब बड़ी बात यह है कि जो बिहार के शिक्षक हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। हमने शिक्षकों से स्कूल में जाकर बातचीत की है। शिक्षा विभाग कोई भी फैसला लेता है तो उससे विवाद होता ही है, तो दूसरी तरफ शिक्षा तो खुद ही भगवान भरोसे। देखिए, हमारे साथ एक शिक्षक है, ये बिहार युवा प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष है, दीपांकर बिहार के अध्यक्ष है। ये जो फैसला हुआ है इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? शशांक, एक ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद मैं आपके पास लौटूंगा, तब इनसे आप बात करिएगा, जानिएगा क्या कहना चाहते हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।